हैं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरी नानी के गांव से। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी बज रहे हैं दिन के 1 और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सब लोग क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलो दोस्तों देखते हैं, आज की दिनचर्या को आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि कल हम भी यहाँ से फुर हो जाएंगे दोस्तों, हम भी निकल जाएंगे यहाँ से अपने गाँव अपने देहरादून के लिए। तो आज कल हम आ रखे हैं गाँव और तो दिखाएंगे आपको यहाँ की दिनचर्या कैसी है। दिन भर काम करते रहो, यहाँ के जो भी हैं किसी को थोड़ा सा बैठने का भी टाइम नहीं मिलता, एक के बाद एक जंगल जाना, जंगल से घर आना, खाना बनाना, गाय भैंस सब लगे रहते हैं। तो फिर भी दोस्तों आपके साथ कुछ पल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलो दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पर छोटे बेबी की मालिश हो रही है, मल्टन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बेबी के हो रहा है मल्टन, मालिश हो रही है और आटे से बेबी के पूरा मैल जो भी होता है वो सारी चीज़ें निकालते हैं, ऐसे कर मल्टन होता है हमारे गांव में। वैसे तो आजकल सभी जगह मल्टन करते हैं, तो यहाँ पर हम आटे से करते हैं, ऐसे निकालते हैं धूप में लिटा के बेबी को। और ये है बेबी का झूला, ये है पहाड़ी झूला, तो देख सकते हो आप इसको, हम पहाड़ में जुंगोड़ बोलते हैं, रिंगाल का होता है ये, मतलब कुछ लोग नहीं समझते रिंगाल क्या होता है, लेकिन जो पहाड़ी होंगे उनको सबको पता है कि रिंगाल क्या होता है, लेकिन जो देसी होते हैं ये बांस की तरह होता है, जो देसी होते हैं उनको समझ नहीं आएगा। तो उस चीज़ से हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें इसी से बनी होती है, सोल्टे उसी में सामान सामान लाते हैं, और भी चीज़ें जो दिखाऊंगी मैं आपको, और टोकरी वगैरह सब इसी से बनते हैं। और जो इसके आगे का फूल होता है ना, उसे झाड़ू बनाते हैं, उसे हमारे यहाँ झाड़ू बनाते हैं। तो हमारे वहाँ सारी चीज़ें नेचुरल होती है और नेचुरल चीज़ों से ही अपना जीवन बसर जो भी होता है रोज़ डेली का, उन चीज़ों में यूज़ लाते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा पहाड़ी झूला, तो देख सकते हो आप पहाड़ी झूला, ये है पहाड़ी झूला, और इसी में बेबी को सुलाते हैं, इसके अंदर बिस्तर लगाएंगे और इसी में सुलाएंगे, और 5-6 महीने तक बेबी इसी में सोता है अलग से। तो देख सकते हो, तो बाकी यहाँ पर बेबी के कपड़े, बच्चों के कपड़े डाल रखे हैं, और यहाँ पर है मेरी नानी बैठी हुई है। हेलो कर दो नानी, हाय हाय बोल दो, हाय बोल, बड़े वही वही बड़े वही, बहुत सुंदर लागणे, ठीक ठीक बढ़िया बढ़िया। और इधर देख सकते हो आप लकड़ी का बोझा लेके आई है मामी, और ये देखो ऐसे लकड़ी, इसको कुल्हाड़ी से फाड़ फाड़ के मामी जंगल से लकड़ी लेके आई थी अभी। तो यही होता है जो ये भी बना होता है रिंगाल से, और इसके अंदर लकड़ी लेके आते हैं। तो देख सकते हो हमारे पहाड़ के लोगों की कला को। और एक आँख बुझा सोल्ट, ये होता है आँख खुले वाला सोल्ट, ये होता है आँख बुझा, इसमें बारीक बुरीक चीज़ें लेके जा सकते हैं। और अभी जा रही है मामी कपड़े धोने के लिए गदरे में, कहाँ जा रहे हैं गदरे मंगे रहे। और ये देखो ये है लकड़ी का सोल्टो, तो देख सकते हो आप, और ये है मामी। और कहाँ से फाड़ के लाए आप ये लकड़ियाँ, जंगल से, कौन से जंगल से लाए हैं, थमियाली ले जाए चाहे कुल्हाड़ी जाए चाहे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी, तो ये कुल्हाड़ी से फाड़ के लाई मम्मी मामी ये लकड़ियाँ अभी लेके आई है। तो कितने किस्म की लकड़ी यहाँ पे सारी, यहाँ पे लकड़ी भी जलाते हैं और गैस चूल्हा भी जलाते हैं, लेकिन गैस चूल्हा ये होता है कि अपना जब कभी लेट हो जाए तो फटाफट से गैस चूल्हा में बनाए, वरना लकड़ी में ही काम चल जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों बाकी यहाँ के खूबसूरत से नज़ारों को, बाकी मैंने आगे और भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे नींबू का पेड़ भी है, और इस पे खूब सारे नींबू लग रखे हैं इस पेड़ पे। और वहाँ पे है मामी की गाय और गाय की बच्ची, छोटी सी बच्ची, कहाँ ले जाने लगे, सो गया ना। ये देखो अंस को ये पीठ पे लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कैसे उठाएगा, उठा लेगा तू, अरे एला उठो अंते उठो, अब कहाँ जाने मैम तुम गए वहाँ। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम लोग जंगल के लिए खोरू के लिए चले गए, मतलब जो बांझ की तरह होता है, और मामी लोगों के साथ। तो देख सकते हो आप पहाड़ के लोग कैसे जाते हैं घास के लिए।
और यहाँ से मामी और मैं अकेले गए जंगल में, और मामी मुझे ना ऐसे घने जंगल में ले गई, और मुझे तो बहुत डर लग रहा था पीछे से, ऐसा लग रहा था इधर से कहीं बाघ ना आ जाए, मगर बहुत डर लग रहा था। और ऐसे पहाड़ी रास्ते से, मतलब पतले पतले रास्ते से मामी मुझे ले गई, और बहुत डर लग रहा था मुझे अकेले अकेले। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, लेने के लिए जंगल में। अरे पिजोरे पिजोरे तो मामी पहाड़ को, पेड़ की चढ़ाई, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, खोरू काटने के लिए। कोई मोरू बोलता है, कोई खोरू बोलता है, ठंडो पानी, कोई बांस तो नहीं है, नहीं पड़े। मामी चढ़ रही पेड़ में, पानी कैसे चढ़ते हैं पेड़ में देखो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी बात। तो दोस्तों मामी पेड़ में चढ़ी हुई थी, और मैं वहाँ नीचे अकेले बैठी हुई हूँ, और मुझे ना डर लग रहा है कि इधर उधर से कहीं बाघ ना आ जाए दिन में भी जंगल में, तो बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं इधर उधर देख रही हूँ कुछ ना कुछ ना आ जाए, कोई जंगली जानवर मुझे मतलब अटैक ना करे। और मैं मामी जी को बोल रही हूँ जल्दी नीचे उतरो यार, मुझे ना बहुत डर लग रहा था। यहाँ मामी ना और ऊपर चढ़ती जा रही थी खोर काटने के लिए, और मुझे ना नीचे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही कब नीचे उतरे मामी, जल्दी फटाफट से हो और निकले यहाँ से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बैठी हूँ अभी अकेले, और मामी वहाँ पे खोर काट रही है, देख सकते हो इतने बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ते हैं, और मैं भी यहाँ पर बैठ रही हूँ, और डर भी लग रहा है क्योंकि चारों तरफ घना जंगल है, देख सकते हो आप। यहाँ पर मामी ने अपनी भारी बना के पीठ पे लगा ली है, और अब हम घर के लिए निकलेंगे। अपना बोझा बना लिया है मामी ने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।